हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ राजेश्वरी निले, आई एम फ्रॉम भाग्यवेदा एकेडमी. फ्रेंड्स, टुडे आई वुड लाइक टू टीच यू अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट एंड टुडे इज माय टॉपिक इज फॉर द ग्रामर स्पेशल एंड आवर लेसन नेम इज द सेंटेंस इट्स अ टाइप एंड काइंड्स. देखो, ये जो लेसन है इंग्लिश का है, ग्रामर का है और ये सेवेंथ स्टैंडर्ड CBSE के लिए यहाँ पर मैं आज पढ़ा रही हूँ. तो देखते हैं सेंटेंस उसके प्रकार कितने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मीन बाय सेंटेंस, ये अपने को पूरा ध्यान में लाना पड़ेगा. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर अरेंज इन ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर एंड दैट मेक अ कम्प्लीट थॉट. सेंटेंस मतलब क्या होता है? तो वर्ड्स का ग्रुप होता है कि जो करेक्ट ऑर्डर में अरेंज किया रहता है और उससे अपने को कम्प्लीट थॉट समझता है. ओके, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का एक ग्रुप रहता है और करेक्ट ऑर्डर में उसको लगाया रहता है और उससे अपने को कंप्लीट मीनिंग भी होता है. आ गया ध्यान में? मतलब वाक्य मतलब क्या है, सेंटेंस को मराठी में क्या कहते हैं? वाक्य. तो वाक्य मतलब क्या होता है? तो वाक्य मतलब ऐसा ग्रुप का कलेक्शन वर्ड्स और वो करेक्ट ऑर्डर में लगाए हो और उससे अपने को मीनिंग क्या होता है, क्लियर होता है, उसको कहा जाता है सेंटेंस. टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अभी अपने को यहाँ पर देखना है कितने टाइप्स है सेंटेंस के. ओके, यहाँ पर देखो, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली. द मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग. रितिका गोज फॉर एन इवनिंग वॉक डेली. द शीप इज ग्रेजिंग इन द मीडो. ये तीन जो सेंटेंस है, यहाँ पर तीनों भी सेंटेंस में जो स्टार्ट के जो वर्ड्स है उनको क्या किया है, बोल्ड दिया है, मतलब बोल्ड करके दिया है. तो क्या होता है उसका मीनिंग? तो इन दिस सेंटेंस ईच ऑफ द अबो सेंटेंस हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड द थ्री सब्जेक्ट्स आर द मूवी, रितिका एंड द शिप. यहाँ पर ओनली वन सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कौन से है फिर? वो रितिका, मूवी एंड द शिप. ये तीन क्या है? वो सेंटेंस सब्जेक्ट है. ईच सेंटेंस हैज ओनली वन प्रेडिकेट और उसको हर एक को क्या है, एक ही प्रेडिकेट है. द थ्री प्रेडिकेट्स आर इज वेरी इंटरेस्टिंग, गोज फॉर एन इवनिंग वॉक डेली एंड आर ग्रेजिंग इन द मिडो. देखो, फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है द मूवी, प्रेडिकेट है इज वेरी इंटरेस्टिंग. सेकेंड सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है रितिका और प्रेडिकेट है गोज फॉर एन इवनिंग वॉक डेली. थर्ड सेंटेंस में द शीप इज अ सब्जेक्ट एंड आर ग्रेजिंग इन अ मिडो इज अ प्रेडिकेट. आ गया ध्यान में? तो देखो, ऐसा जहाँ पर एक ही सब्जेक्ट दिया गया हो और एक ही प्रेडिकेट हो तो उसको क्या कहा जाता है, सिंपल सेंटेंस कहा जाता है. सच अ सेंटेंस आर कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस. मतलब सिंपल सेंटेंस मतलब क्या, जहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है. क्लियर एवरीवन? नाउ अनादर एग्जांपल, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली. एग्जांपल केयरफुली. ओके, इट वॉज अ हॉलीडे एंड वी वेंट ट्रैकिंग. मतलब हॉलीडे था इसलिए हम कहाँ पर गए थे, ट्रैकिंग. ट्रैकिंग समझता है ना बच्चों, माउंटेन पर अपन जाते हैं उसको ट्रैकिंग कहा जाता है. द क्लाउड्स अपीयर बट इट डिड नॉट रेन. देखो, ईच ऑफ द सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, दो पार्ट्स करके दिए नीचे. इट वॉज अ हॉलीडे एक सेपरेट है, वी वेंट ट्रैकिंग सेकेंड सेंटेंस है. द क्लाउड अपीयर एक सेपरेट सेंटेंस है और सेकेंड वाला है इट डिड नॉट रेन. बट उनको ज्वाइंट किया गया है एंड बट से, बराबर है. द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड द सिंपल सेंटेंस कनेक्टेड बाय देम आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेटेड क्लॉज. देखो, यहाँ पर दो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया गया है और सिंपल सेंटेंस को उन्होंने क्या किया है, ज्वाइन किया है, बराबर है. और उनको क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेटेड क्लॉज, ऐसा उनको कहा जाता है. जैसे एंड बट, मतलब ये क्या हो गए, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गए. ओके, सच्चे सेंटेंस आर कॉल्ड द कंपाउंड सेंटेंस. और ऐसे जो सेंटेंस रहते हैं कि जो दो सिंपल सेंटेंस है उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्या किया है, क्लॉजेस से ज्वाइन किए गए हैं, उसको कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस. क्लियर? नाउ थर्ड रूल, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली. रजत वॉज इन बेड बिकॉज ही हैड अ फेवर. I do not know how I should please him. You are free to say what you want. देखो, ये तीन सेंटेंस यहाँ पर दिए हैं. रजत वॉज इन बेड बिकॉज ही हैड अ फेवर. I do not know how I should please him. And third है, you are free to say what you want. अभी ये तीनों भी सेंटेंस में देखो, both the parts of each sentence are connected by a conjunction that subordinate one part to the other and to get its a meaningful sense. यहाँ पर दोनों भी जो सेंटेंस के पार्ट हैं,
ओके वो कनेक्ट किए गए हैं कंजंक्शन से, उसको अपन क्या कह सकते हैं, और सबॉर्डिनेट भी सबॉर्डिनेट किए गए हैं, और एक पार्ट को दूसरे पार्ट से सबॉर्डिनेट होने के कारण, कंजंक्शन मतलब जॉइंट होने के कारण उनको मीनिंगफुल सेंस आया है. वन ऑफ द पार्ट सेंटेंस स्टैंड इंडिपेंडेंटली बट अदर पार्ट कैनॉट बी. देखो बोथ द पार्ट्स आर कॉल्ड क्लॉजेस, मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज, वाइल अदर इज अ डिपेंडेंट और सबॉर्डिनेट क्लॉज. अभी ये दोनों भी जो सेंटेंस है ना, तो ये दोनों भी सेंटेंस में एक सेंटेंस रहता है आपका, तो उसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा जो रहता है उसके पीछे वाला जो उसके ऊपर डिपेंड रहता है उसको कहा जाता है डिपेंडेंट क्लॉज. जैसा रजत वॉज इन बेड, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड बिकॉज ही हैड फेवर, ये डिपेंडेंट क्लॉज है. ओके आई डू नॉट नो मीन्स अ मेन क्लॉज है, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड हाउ आई शुड प्लीज हिम इज अ सबॉर्डिनेट क्लॉज, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज. आगे देन में यू आर फ्री टू से, उसको ही कहा जाता है प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड व्हाट यू वांट इज अ सबॉर्डिनेट क्लॉज. सच अ सेंटेंस आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इनको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इसीलिए सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं. कौन से, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. क्या होता है सिंपल में, कंपाउंड में और कॉम्प्लेक्स में, ये आपको नीचे दिया गया है, देखते हैं लाइन बाय लाइन. सिंपल सेंटेंस, अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड ओनली वन प्रेडिकेट. सिंपल सेंटेंस मतलब क्या होता है कि जिसमें एक ही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है. फॉर एग्जाम्पल द बॉय क्लाइम अप अ ट्री एंड सोफिया वॉज वेरी चार्मिंग लेडी. यहाँ पर द बॉय ये एक ही सब्जेक्ट है, क्लाइम अप अ ट्री ये एक ही प्रेडिकेट है, सोफिया एक ही सब्जेक्ट है, एंड वॉज अ वेरी चार्मिंग लेडी इज अ वन प्रेडिकेट. मतलब वन प्रेडिकेट एंड वन सब्जेक्ट रहता है, वहाँ पर क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया. नाउ कंपाउंड सेंटेंस. अभी कंपाउंड सेंटेंस किसको कहा जाता है, अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच हैज टू और मोर क्लॉजेस ऑफ एन इक्वल रैंक मीन्स कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज. यहाँ पर क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में दो और दो से ज़्यादा क्लॉजेस रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है. देखो यहाँ पर माय पेरेंट्स स्विच्ड ऑन द टीवी एंड वॉच अ मूवी. मेरे पापा ने क्या किया, टीवी स्विच ऑन किया और मूवी देखने लग गए. ही इज अ क्वाइट ओल्ड बट ही कैन वॉक फास्ट. वो कैसे थे, बहुत ही बूढ़े थे, मतलब ओल्ड थे, बट वो बहुत ही फास्ट चलते थे. यहाँ पर देखो अभी कोऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पर यूज किया गया है, पहले सेंटेंस में यूज किया गया है एंड सेकेंड सेंटेंस में यूज किया गया है बट. ओके मतलब जहाँ पर टू और मोर क्लॉजेस है और उनको कोऑर्डिनेटेड क्लॉज से क्या किया है, जॉइंड किया है, उनको कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस. नाउ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच हैज अ प्रिंसिपल क्लॉज और एंड वन और मोर सबॉर्डिनेट क्लॉज. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब क्या होता है कि जिसमें एक ही प्रिंसिपल क्लॉज रहता है और एक से ज़्यादा सबॉर्डिनेट क्लॉज होते हैं. जैसा देखो यहाँ पर शुभम इज अ क्वाइट हॉनेस्ट दो ही इज वेरी पुअर. अभी यहाँ पर देखो ये जो शुभम इज अ क्वाइट हॉनेस्ट ये सेंटेंस है, मतलब ये प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, और ये सेकेंड वाला सेंटेंस उसके ऊपर डिपेंड है इसलिए उसको कहा गया है डिपेंडेंट सेंटेंस, उसको कहा जाता है सबॉर्डिनेट क्लॉज. क्लियर एवरीवन. अगर ध्यान में अभी यहाँ पर सेकेंड इसमें आई वॉज पनिश बिकॉज आई वॉज लेट. यहाँ पर आई वॉज पनिश इज अ मेन क्लॉज एंड इट आई वॉज लेट इज अ सबॉर्डिनेट क्लॉज. ओके मतलब जहाँ पर मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज है, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज रहते हैं और उनको सबॉर्डिनेट क्लॉज से क्या किया गया है, मतलब उसको ज्वाइंट किया रहता है, उसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. क्लियर. नाउ नेक्स्ट अभी देखो नेक्स्ट अवर पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस. कन्वर्जन करना, कन्वर्जन करना मतलब क्या, एक सेंटेंस में से दूसरे सेंटेंस में उसको ट्रांसफर करना. अभी कैसे करते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल है दिए गए. चेंजिंग सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस को किस में कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. इट बींग कोल्ड आई स्विच ऑफ द रेयर एयर कूलर.
देखो यहाँ पर ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में क्या रहता है, एक ही सब्जेक्ट रहता है और एक ही प्रेडिकेट रहता है। ओके, अभी इस सेंटेंस का किस में कन्वर्ट करना है अपने को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। मतलब यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा। ध्यान में आ रहा है ना, बिकॉज इट वॉज कोल्ड आई कॉमा करके आई स्विच ऑफ द एयर कूलर, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द विकेड ऑफन सफर इन लाइफ, हियर देखो द विकेड इज अ सब्जेक्ट, ऑफन सफर इन लाइफ इज अ प्रेडिकेट, वन प्रेडिकेट है वन सब्जेक्ट है, मतलब वो क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। अभी नेक्स्ट है दोज, उसका अपन ने कॉम्प्लेक्स कैसा किया, दोज हु आर विकेड ऑफन सफर इन लाइफ, कि जो विकेड रहते हैं वो उनके लाइफ में सफर करते हैं। ओके, नेक्स्ट डिस्पाइट हर ओल्ड एज शी कैन डू वर्क, उसका ओल्ड एज होते भी वो क्या कर रही है, काम कर रही है अच्छे से। दो शी इज ओल्ड येट शी कैन डू वर्क, वो ओल्ड है फिर भी वो क्या कर रही है, काम कर रही है। अभी यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अपन बिकॉज दो इसका वापर कर सकते हैं, आ गया ध्यान में। अभी सिंपल को कंपाउंड करना है, वी मस्ट ईट टू लिव, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, यहाँ पर वी इज अ सब्जेक्ट, मस्ट ईट टू लिव इज अ प्रेडिकेट, वन सब्जेक्ट है वन प्रेडिकेट है, मतलब वो क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। अभी क्या करना है अपने को, कंपाउंड सेंटेंस उसका करना है, मतलब वहाँ पर आर एंड बट अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दो सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट क्लॉज जो यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, कंपाउंड सेंटेंस किया कहा जाता है। इन स्पाइट ऑफ ओल्ड एज ही कैन रन फास्ट, ही इज अ ओल्ड बट ही कैन रन फास्ट, वो बूढ़ा है फिर भी वो क्या कर रहा है, फास्ट रन कर रहा है। हैविंग डन माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले अ मैच, मेरा होमवर्क होने के बाद मतलब मैं क्या करूँगा, हो गया फिर मैं खेलने को गया। ओके, आई डिड माई होमवर्क एंड वेंट टू प्ले अ मैच, देखो यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस में और का यूज किया है, मतलब और इज अ कोऑर्डिनेट क्लॉज, या दो सेंटेंस वहाँ पर है, वी मस्ट ईट वी शैल नॉट लिव, इनको क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है और उसको कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस। किसका यूज किया है, और का बट का एंड का यहाँ पर यूज किया गया है, आ गया ध्यान में रखना। बिकॉज दो और ये जो वर्ड्स होते हैं ये किसके लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसका यूज होता है, एंड बट और नॉर दीज आर द वर्ड्स यूज इन अ कंपाउंड सेंटेंस। ओके, अभी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अभी देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, देर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन अ व्यू ऑफ देयर फंक्शन, जैसे भी फंक्शंस है सेंटेंस के उसके हिसाब से पांच प्रकार सेंटेंस के होते हैं। पहला है और सेंटेंस में भी एक्सप्रेस, अपन जो सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं उसका व्यू अलग अलग होता है। यदि कुछ बुरा हुआ है तो अपना सेंटेंस अलग में अलग टोनिंग से और अलग प्रोनाउंसिएशन से अपन करेंगे, यदि खुशी की बात है हैप्पीनेस है तो वहाँ पर अपन अलग तरीके से सेंटेंस यूज करेंगे, बराबर है ना। मतलब सेंटेंस एक्सप्रेस करने के तरीके भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, एन एक्शन और हैपनिंग और अ फैक्ट, यदि कुछ एक्शन हुई है कुछ हैपन हुआ है और फैक्ट है मतलब वस्तु स्थिति है तो अपना सेंटेंस अलग रहेगा। और क्वेश्चन टू आस्क समथिंग, किसी को यदि अपने को कुछ पूछना है तो उसका सेंटेंस अलग रहेगा। एंड एडवाइस और रिक्वेस्ट, कमांड एंड प्रपोजल, किसी को अपने को एडवाइस करना है, सलाह देनी है, किसी को रिक्वेस्ट करनी है, किसी को कमांड देनी है, किसी को प्रपोजल देना है, तो अपना व्यू सेंटेंस का क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। फोर्थ है अ प्रेयर विश ब्लेसिंग एंड कर्स, किसी को श्राप देना है, किसी को ब्लेस देना है, किसी को विश अपनी विशेष देना है, मतलब किसी का हैप्पी बर्थडे है तो अपन विश करते हैं उसको, बराबर है, किसी के लिए प्रेयर करनी है। ओके, देन लास्ट है एन एक्सक्लेमेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ सम सडन स्ट्रांग फीलिंग, और कभी कभी अपने को कुछ स्ट्रांग फीलिंग दिखानी है तो उस हिसाब से अपने सेंटेंस अपन कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट देर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और इसके हिसाब से सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, फिर पांच, कौन से देखो, स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस ये फर्स्ट इसमें आता है, मतलब असर्टिव सेंटेंस मतलब विधानात्मक वाक्य, ओके सिंपल सेंटेंस। देन क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है आखिरी में उसको क्या कहा जाता है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
कमांड और इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें अपन ने रिक्वेस्ट की है, कमांड की है, किसी को एडवाइस किया है, तो वहाँ पर कमांड एंड इम्परेटिव सेंटेंस उसको कहा जाता है। विश एंड ऑपरेटिव सेंटेंस, जहाँ पर अपन ने प्रेयर की है, विश किए हैं, ब्लेसिंग्स दिए हैं, कर्ज दिए हैं, उसको कहा जाता है ऑपरेटिव सेंटेंस। और जहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको कहा जाता है। क्लियर एवरीवन? नाउ अभी पहला जो सेंटेंस का टाइप है असर्टिव सेंटेंस, ये अपने को देखना है। स्टेटमेंट्स और असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस सफर और निगेट एक्शन हैव फैक्ट एंड हैपनिंग। असर्टिव सेंटेंस में क्या रहता है? एक्शंस रहती है, वस्तु स्थिति रहती है, और हैपनिंग मतलब कुछ हुआ है क्या, ये दिखाई देता है। जैसा फॉर एग्जांपल देखो, द लॉयन किल्ड द जेब्रा विथ अ वन स्ट्रोक ऑफ इट्स पॉ। ये सेंटेंस है, मतलब लॉयन ने एक ही स्ट्रोक में उसके पॉ से क्या कर दिया, जेब्रा को मार दिया। एक्शन हुई है, ओके, इन ब्रैकेट एक्शन। द अर्थ इज बीइंग इन साइज, बिग इन साइज एंड राउंड इन शेप। अर्थ कैसी है, साइज में बहुत बिग है, और शेप में कैसी है, राउंड है। ये फैक्ट है, वस्तु स्थिति, इसको कोई भी चेंज कर नहीं सकता है। द स्टॉर्म रुइन द रूफ ऑफ द हट। अभी हैपनिंग हुआ है, मतलब कुछ तो भी घट चुका है। क्या घट चुका है? द स्टॉर्म रुइन द रूफ ऑफ द हट, मतलब स्टॉर्म आया और हट पे जो रूप था, छप्पर था, वो क्या हो गया वहां पर, मतलब वो रुइन हो गया, मतलब डिसमिस हो गया वहां पर। हैपनिंग है। ईच ऑफ द वो सेंटेंस स्टेट आइदर एन एक्शन। ये तीनों भी सेंटेंस में कुछ ना कुछ हैपनिंग हुई है, फैक्ट है और एक्शन है, सो इट इज एन असर्टिव सेंटेंस। इसको क्या कहा जाता है, फिर असर्टिव सेंटेंस इसको कहा जाता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, एन असर्टिव सेंटेंस में भी पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव और निगेटिव दो और रह सकते हैं। एन असर्टिव सेंटेंस दैट कन्वे द फैक्ट, इट इज अ पॉजिटिव और अफर्मेटिव। जहां पर फैक्ट दिखाई गई है उसको पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है, जहां पर निगेशन है उसको निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, और आखिरी में एंड में क्या देते हैं, फुल स्टॉप देते हैं। क्लियर एवरीवन? नाउ आवर सेकंड टाइप ऑफ द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब उसको क्या कहा जाता है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस, मतलब प्रश्नार्थक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन। इसमें से क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। हैव यू एवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया। डिड यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हाउ ऑफन डू यू टेक कॉपी एवरी डे। व्हाई आर यू क्राइंग माई बॉय। अभी ये चार सेंटेंस, चार क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ए में जो दो है ना, उसमें क्या किया है, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया है, और बी वाले में डब्ल्यू एच वर्ड का यूज किया गया है। देखो आगे इसमें क्या ध्यान में रखना है आप लोगों को, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विथ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि उनके स्टार्टिंग में ऑक्सिलरी वर्ब रहते हैं, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ओके। कुछ ऐसे रहते हैं कि उनमें डब्ल्यू एच वर्ड वाले रहते हैं, मतलब व्हाट, व्हेन, हुम, हाउ, ऐसा यूज वहां पर किया जाता है। और आखिरी में, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स इन अ क्वेश्चन मार्क। आखिरी में क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है। अभी कमांड एंड इंपरेटिव सेंटेंस, किसी को कमांड दी, अपन ने रिक्वेस्ट किया है। इंपरेटिव सेंटेंस आर अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर। इसमें क्या रहता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड प्रपोजल, ये इसमें आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, गेट आउट ऑफ द रूम एट वंस, कमांड दी गई, चलो अभी के अभी मेरे रूम में से निकल जाओ। काइंडली गिव मी समथिंग टू ईट, प्लीज मुझे क्या दो, कुछ खाने को दो, रिक्वेस्ट की है। डू यू अर होमवर्क रेगुलरली, तेरी पढ़ाई जो है वो रेगुलरली करते जा, मतलब अपन ने किसी को सलाह दी है। लेट अस हेल्प अ ब्लाइंड मैन टू क्रॉस द रोड। जो भी ब्लाइंड मैन रहते हैं, मतलब अंधे लोग रहते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, उनको क्या करना चाहिए, रोड क्रॉस करके देना चाहिए, मतलब ये प्रपोजल है। देखो ईच सेंटेंस एक्सप्रेस अ कमांड, हर एक सेंटेंस में, कुछ सेंटेंस में कमांड है, किसी में रिक्वेस्ट है, किसी में एडवाइस है, किसी में प्रपोजल है, और इसको कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या कहा जाता है ऐसे सेंटेंस को, इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा कहा जाता है। एन इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस समथिंग दैट इज टू बी डन अर्जेंटली। इंपरेटिव सेंटेंस में अर्जेंट कुछ तो भी हैपन होता है। इंपरेटिव सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज यू बट इट रिमेन अनस्टेटेड, ओके। यहाँ पर सेंटेंस सब्जेक्ट यू रहता है बट वो दिखाई नहीं देता है, ओके, मतलब वो अनस्टेटेड रहता है।
फोर्थ नंबर का है सेंटेंस का टाइप विशेष और ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस आर सेंटेंस दैट एक्सप्रेस विशेष, इसमें क्या दिखाई देते हैं अपने को, विशेष एक्सप्रेस की रहती है, किसी के बारे में प्रेयर रहती है, किसी का किसी को ब्लेसिंग दिया रहता है और किसी को कर्स भी दिया रहता है। सच अस स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। अभी इसके लिए अपने को एग्जाम्पल देखना है। देखो, आई विश दैट आई वेयर्स ऑल्सो ब्यूटीफुल, मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं भी क्या चाहिए थी, ब्यूटीफुल मतलब विश की है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल हिज गिफ्ट्स, प्रेयर की है। मे यू लिव लॉन्ग, ब्लेस दिया है, किसी को आशीर्वाद दिया है। डाउन विथ यू ओ टैरेंट, मतलब किसी को कर्स भी दिया है, मतलब श्राप दिया है। ईच सेंटेंस, हर एक सेंटेंस में, कौन से सेंटेंस में विश है, किसी में प्रेयर है, थर्ड में ब्लेसिंग है, फोर्थ में कर्स है, सच सेंटेंस आर कॉल्ड द ऑपरेटिव सेंटेंस। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं इनको क्या कहा जाता है, ऑपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ओके, एंड ऑपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स इन अ एक्सक्लेमेटरी मार्क, और इनके आखिरी में क्या रहता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी रहता है। सम इंग्लिश स्कॉलर इंक्लूड ऑपरेटिव सेंटेंस इज अ कैटेगरी ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिकॉज ऑफ द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मार्क के वजह से कुछ जो इंग्लिश के स्कॉलर लोग हैं, इन्होंने इसको कौन से टाइप में डाल दिया है, एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन में इन्होंने डाल दिया है। ओके, सेंटेंस में डाल दिया है। अभी लास्ट है एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग और थॉट ऑफ द माइंड। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या रहता है, सडन फीलिंग रहती है, थॉट ऑफ माइंड रहता है। मतलब अभी देखो, व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज, मतलब यहाँ पर अपने को हैप्पीनेस फील होगा। अलास वी आर रुइन, अलास मतलब बहुत ही दुख हुआ है, अरे रे वो बेचारा मर गया, अरे रे सब बर्बाद हो गया ऐसा। हेलो हाउ आर यू, किसी को मिलना है तो अपन क्या बोलते हैं उसको, हेलो हाउ आर यू मतलब ग्रीट करना, मिलना। ब्रेव व्हाट अ फोर्सफुल हेट, वाओ किसी की यदि अपने को प्रेस करना है, प्रेस करना है मतलब स्तुति करनी है, तो अपन ऐसे सेंटेंस यूज कर सकते हैं। फाइ हाउ डर्टी इज द फ्लोअर, कंटेम मतलब संताप दिखाना, कंटेम मतलब क्या दिखाना, संताप दिखाना, ओ क्या बहुत गंदगी यहाँ पर, तो ऐसा वैसा इस तरीके से। हुर्रे डैडी हैज अ ब्रॉड टॉयज फॉर अस, यहाँ पर भी जॉय। हुश समवन इज कमिंग, अरे रे कोई तो भी आ रहा। लो देयर कम्स अव स्कूल कैब, चलो बोले स्कूल की कैब आ गई मतलब अटेंशन। हाँ व्हाट अ नाइस शॉट मतलब अप्रूवल। शट अप यू रेच मतलब एंगर, एंगर दिखाने के लिए अपन ऐसा यूज कर सकते हैं। अभी इन एक्सक्लेमेशन में अपन इसी तरीके से सेंटेंस यहाँ पर यूज किए जाते हैं। अगर देन में अभी ईच ऑफ द सेंटेंस कंसिस्ट, किसी में एक्सक्लेमेटरी वर्ड कैसे यूज किए जाते हैं, देखो यहाँ पर वंडर एंड जॉय, सॉरो, ग्रीटिंग, कंटेप, वार्निंग, अटेंशन, अप्रूवल, एंगर एक्सेट्रा आर स्पोकन वर्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ सम सडन स्ट्रांग फीलिंग आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब ये जो सेंटेंस है अपने मुँह से अचानक से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, इसको कहा जाता है कि ये उद्गारार्थी वाक्य है। क्लियर एवरीवन? अभी इसमें कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैज एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर द एक्सक्लेमेटरी वर्ड ऑन इन इट्स एंड। अभी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भी होते हैं, हुर्रे, ब्रेओ, ओ, लास, दीज आर द एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, तो इसके पीछे जब भी एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, नहीं तो फिर सेंटेंस के आखिरी में तो भी रहेगा। द सेंटेंस दैट इन इट्स एंड, द सेंटेंस दैट फॉलोज द एक्सक्लेमेटरी वर्ड ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स रहते हैं उनके जो द सेंटेंस दैट फॉलो द एक्सक्लेमेटरी वर्ड, देखो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के बाद जो भी सेंटेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, सिंपल मतलब स्मॉल लेटर में रहेगा। ओके, द सेंटेंस दैट फॉलो द एक्सक्लेमेटरी वर्ड मे एंड इन अ फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेटरी मार्क और क्वेश्चन मार्क एज पर इट्स काइंड। जैसा सेंटेंस है उसी हिसाब से कभी कभी एंडिंग में फुल स्टॉप भी रह सकता है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी वर्ड यदि सामने आए, अल्लास आए, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, बराबर है, फिर आखिरी में कभी कभी फुल स्टॉप भी रहता है, कभी कभी क्वेश्चन मार्क भी रहता है, और यदि स्टार्टिंग में एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं आया तो आखिरी में तो भी क्या रहता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क रहता है। क्लियर एवरीवन? ध्यान में आ गया सब? अभी देखो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, फिर अपन उसकी क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।